सुप्रभात प्यारे बच्चों आज हम श्रवण कुमार पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे सबसे पहले उकरान्त शब्द तो वैसे ही शब्द जिनमें ऊ की मात्रा लगे उसे ऊकरान्त शब्द कहते हैं जैसे पुत्र पाधन, उधन, त्र सुख साधन। धन दुख द धन ऊधन अ धन ख ऊधन करांत शब्द वैसे शब्द जिनमें बड़ा ऊ की मात्रा लगे उसे ऊकरांत शब्द कहते हैं जैसे बूढ़ा ब धन ऊधन रा, पूरा पधन धन रा धूप धन ऊधन प भूल धन धन ल मात्रा आप स्वयं भरेंगे संयुक्त शब्द तो दो व्यंजनों के योग से बने वर्णों को संयुक्त वर्ण कहते हैं एवं जिन शब्दों में संयुक्त वर्ण का प्रयोग होता है उसे संयुक्त शब्द कहते हैं जैसे श्रवण आधा शन र धन व धन न तीर्थ ती धन आधा र धन थ प्रकट पधन धन धन क धन यात्रा या धन आधा त धन प्यास आधा प धन या धन उत्तर उ धन आध त धन अयोध्या अ यो धन आध धन या क्षमा आधा क धन शव धन मा इनका वाक्य में प्रयोग करें सुशील श्रवण सुशील बालक था सेवा माता पिता की सेवा करो यात्रा यात्रा ज्ञान बढ़ाता है संतोष संतोष सुख देता है सफल परिश्रमी अवश्य सफल होता है शोक शोक श्रवण के माता पिता को पुत्र शोक हुआ। शाप, राजा दशरथ को शाप मिला शिकार राजा शिकार पर गए अपराध राजा दशरथ के हाथों अपराध हो गया आप स्वयं भी वाक्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं अभ्यास छः में है किसने किससे कहा अर्थात यह वाक्य किस कौन किससे कह रहा है जैसे मैं अयोध्या का राजा हूँ तो ये बात किसने कही थी राजा दशरथ ने और किससे कही थी श्रवण कुमार से दूसरा प्रश्न है मेरे प्यासे माता पिता को चल कौन पिलाएगा ये बात किसने कही थी श्रवण कुमार ने और किससे कही थी राजा दशरथ से इस प्रकार से आपका यह अभ्यास कार्य श्रवण कुमार पाठ का समाप्त होता है धन्यवाद बच्चों